तो अब आपको क्या लगता है अगली जिद मध्य प्रदेश की क्या होनी चाहिए? हम बहुत बदले हैं लेकिन कसर बहुत है। 1,40,000 पर कैपिटा इनकम कोई ज्यादा थोड़ी है, पहले से अच्छे हो गए, काम बहुत करना है। और काम करना है तो उसका रोड मैप भी तय है। जैसे मैंने कहा रोड नेटवर्क हो गया, 2 शहरों में मेट्रो। अब अगर मैं परिवहन की दृष्टि से देखें तो हाईवे मैंने बताई दिया आप। अब मैं सोचता हूँ कि हम सीधे परिवहन के लिए आकाश मार्ग का इस्तेमाल कैसे कर सकते। जैसे भोपाल है, बड़े तालाब के ऊपर से ही केबल कार चली जाए, रोप वे चले। उसका फायदा ये होगा कि आप सड़क पे चलोगे नहीं, परिवहन का बोझ कम होगा, तो सड़कें आपकी जो जाम लग जाता है वो बंद होगा। आप अगर बिजली के बारे में बात करें तो बिजली तो चाहिए लेकिन क्लीन एनर्जी चाहिए, पर्यावरण बचाए रखते हुए। तो हम अब सोलर पैनल पानी की सतह पे बिछा रहे हैं, जमीन पे तो बिछा ही रहे हैं, सोलर की तरफ बढ़े हैं, बिंड की तरफ बचे हैं, लेकिन ओंकारेश्वर बांध में तो पानी की सतह पे हम सोलर पैनल बिछा रहे हैं। 2 फायदे, 1 पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा, 2 जमीन नहीं लगेगी। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वच्छ एनर्जी।